अस्सलाम वालेकुम, मीम से ब्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत मेहरबानी। तो अभी सुबह का टाइम है, माशाल्लाह आज काफ़ी अच्छा मौसम है। अभी भी देखा जाए तो दरख्त थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, काफ़ी ठंडी हवा माशाल्लाह सुबह ही चल रही है और सूरज आ चुका है सामने। तो जल्दी ही काम ख़त्म कर लेते हैं, मैंने भी कर लिया। भाई उधर जो है मशीन चलाई हुई है, चारा काट रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, अलविदा माह रमज़ान। रमज़ान का लास्ट जुमा है आज और 27वां रोज़ा है। देखते हैं 29 होते हैं या 30। तो आज सुबह सुबह ही काफ़ी अच्छा फील हुआ है। सुबह ही मैं काम कर रहा था तो काफ़ी ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई, तो बहुत दिल खुश हो गया। आज इतनी जल्दी आ गया हूँ, एक बाइक खड़ा है सिर्फ और दूसरा मेरा। भाई तो भाई सबसे पहले कोई भी नहीं अभी। ओह माय गॉड, पता नहीं मुझे इन दिनों क्या हो गया है, सबसे पहले आने का भूत सवार हो गए। अच्छा सफाई करने यार, पहले बैठने से और फिर बैठते हैं। आज तो 7:30 से भी पहले सुकून। अरे यार ये कहाँ A few moments later. भी अल्हम्दुलिल्लाह से आ चुका हूँ जी घर। चलें जी अभी सब्ज़ी कुछ ली है। ये कुछ लिए हैं जी, आलू और साथ में मटर। आप जुमा आज लाजमी अदा कीजिएगा, रमज़ान का लास्ट जुमा है, दुआ कीजिएगा सब मुसलमानों के लिए। तो हम भी कोशिश करेंगे। तो आज माशाल्लाह से हमारी जो दूसरी गंदम है 2 एकड़, उसको भी थ्रेशर से निकाला जा रहा है। लोग लगे हुए हैं जो है गंदम डालने मशीन में, कुछ दाने निकाल रहे हैं इस तरह ही। तो उन्हें अभी खाना देने जाना है, कुछ रोटियाँ लेंगे सालन और कुछ पानी वगैरह उनको ठंडा करके देंगे। तो अभी निकलते हैं। टाइम कुछ 11:10 का हो गया है, तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। 12:30 तक आके फिर तैयारी करेंगे जुमा की। ये कुछ बर्तन ले लिए हैं जिनमें जो है सालन वगैरह डालना है और रोटियां धोना लिया है। अभी जी कुछ रोटियां और सालन ले लिया है, अभी चलते हैं कुछ बर्फ़ लेनी है वो लेते हैं। ये जी डिब्बे में सालन और नीचे रोटियाँ। यहाँ पर लगी हुई है थ्रेशर, इधर कुछ पंडे इकट्ठी कर ली हैं, बाकी ख़त्म हो गई हैं सारी, करीब करीब कर ली सारी। इधर काम जा रही है। काम जा रही है भाई, इतनी कुछ चूड़ी इकट्ठी हो गई है और इधर दाने निकल रहे हैं, तो बोरियां पर रख रहे हैं, कुछ ट्रॉली पे भी डाल दिए गए हैं दाने माशाल्लाह। मशीन को एक बार बंद कर दिया है अभी कुछ देर के लिए। ट्रॉली और ट्रैक्टर भी खड़ा है इसमें दाने वगैरह डालने के लिए ट्रॉली, और उधर दोबारा स्टार्ट कर लिया मशीन। जी अभी चलते हैं बाइक निकाल के, उधर काम जारी और सारी है। वहाँ पर कुछ मोबाइल ऑन किया, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मोबाइल भी ऐसे उबलना स्टार्ट हो गया काफ़ी ज़्यादा। अभी तैयारी करते हैं जुमा के, चल के जुमा अदा करते हैं। भाई भी सो रहे हैं, कहते हैं अभी उठ के चले। भाई भी आज कार ही बैठे हैं। भाई स्कूल नहीं गए आप आज? नहीं, कल मामू जान आए हुए थे तो काफ़ी जो है रौनक लगी हुई थी, तो भाई भी आज नहीं गए इस वजह से। मामू जान भी फिर सुबह चले गए, मैं तो काफ़ी लेट आया, तो फिर मैं जब आया तो जा चुके थे। पिछली बार जब जुमा पे हम गए थे काफ़ी लेट हो गई थी, तो बाहर जगह मिली थी, बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, अगर अंदर मिल जाए जगह तो फिर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो अभी भाई नहाने गए हैं, कह रहे हैं आप भी कपड़े वगैरह निकालें और तैयारी करते हैं। अभी कपड़े ढूंढते हैं जी, आ जाओ आ जाओ। ये लें जी, मिल गए हैं, अभी प्रेस करते हैं चल के। रखा हुआ है जी इस्त्री स्टैंड प्रेस करने के लिए। A few moments later. कुछ हो गया 12:50 का, तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो चुकी है, तो उम्मीद है 1 बजे तक मस्जिद में पहुंच जाएंगे। तो भाई भी तैयार हो गए। भाई तैयारी हो गई कम्प्लीट जी, बिल्कुल रेडी, निकालें बाइक और चलें। भाई पैर सूट पहना है और मैंने ये वाला, तो भाई ने पहले बाइक चलाया था, सामान लेकर आया था, अभी मैं चलाता हूँ। धूल से तो भर गया है कपड़ा, अभी इसका किसी ने निकाल लिया। तो मेरे ख्याल में हमारे आने से पहले ही जो गंदम है वो ले आएंगे। पहले कह रहे थे आप रुकें,
तो ले जाना ट्रॉली। तो भाई ने कहा कि हमने जुमा पढ़ना है, तो फिर अबू जान ने कहा चले मैं ही ले आऊँगा, तो आप जुमा पढ़ने चलते, तो वो ले ही आएंगे हमारे आने से पहले पहले। तो कुछ वो ढेरी लगाई हुई थी वही बाकी है, बाकी तकरीबन हो चुकी है। तो खाना वगैरह उनको दे आए थे, खाना वगैरह खाएंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी सी और फिर निकाल के आ जाएंगे। तो भाई चलो भाई चलो भाई, गर्मी गर्मी हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा अदा करके आ चुके हैं। पहले जब गए मस्जिद में तो लाइट नहीं थी, फिर कुछ देर बाद आ गई। आज मसले वगैरह भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि स्पीकर जो है वहाँ पर थोड़ा मसला था, ख़राब हो गया, तो इसलिए फिर वैसे ही मसले किए विदाउट स्पीकर के। भाई आज इतनी लो चल रही है कि मैंने वहाँ पर जूता उतारा था, जब आके पहना हुए 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 पाँव ही जल गए, फिर धोए पाँव फिर जूता पहना, सुकून हुआ। इट बंद है, कोई बल्ब नहीं चल रहा। वो कपड़े पहने मैं वो वाले पहन के गया था, वहाँ पर लटका दिए, अभी ये पहन लिए हैं, ये घर में अच्छे रहते हैं, इजी रहता है बंदा इनमें। अभी कुछ 3:30 का टाइम हुआ तो लाइट आ गई है काफ़ी इंतज़ार के बाद। 2 hours later 5 बजने में कुछ टाइम बाकी है, तो माशाल्लाह हमारी गंदम क्लोज हो चुकी है, ट्रॉली में थी, कुछ बोरियाँ रख दी गई हैं, ये कुछ लोगों ने काटी लगाई इस तरह, दाने इकट्ठे किए उनके लिए, बाकी परोले में डाल दी, फिल कर दी। माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा काम हमारा ख़त्म हो गया है। आए हुए हैं जी जिला मोड़ में, यहाँ से टैंग लेना था एक, भाई ने काफ़ी बड़ा पैक ले लिए, 225 रुपये का है, पहले 60 रुपये का लेकर जाते हैं। घर आ चुके हैं तो एक टैंक लेकर आए हैं, टैंक के बगैर तो भाई साहब अफ्तारी का मेरे ख्याल में मज़ा ही नहीं। टैंक से काफ़ी ज़्यादा मुझे तो अच्छा लगता है अफ्तारी के टाइम, काफ़ी 2-3 गिलास तो पीता हूँ डेली। हुआ था मैंने कहा लेकर ही आना है, आज पीना ही पीना है। 3 वैराइटीज ही होती है, इमली होती है, टैंक होता है साल में, दूध होता है, तुख्म लगने वाला। 6:40 हो गए हैं, पहुँच चुके हैं लेकर, तो अभी बना रहे होंगे टैंक भी, 7-8 मिनट बाकी है अफ्तारी में। तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।